हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज में आज आपकी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हम सबसे पहले जो हिंदी में कवर हमने किया है वो आपके साथ वर्ण को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण और जितने भी आपके जो वर्ण है वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं वो सब हमने डिस्कस किया है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज उसको पहले देखना। अब बढ़ते हैं शब्द के प्रकार की तरफ। शब्द आपके कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कितने के प्रकार होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, वो सारी चीजें यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। देखिए, परिभाषा के साथ इस चीज को कवर करेंगे। सबको पता है भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। सबसे छोटी मतलब इससे कोई छोटी नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना, सबको पता है। अगर मैं कहूं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, सार्थक इकाई मतलब जिसका कोई मतलब निकलता है तो वो आपका शब्द होता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है और वर्णों से मिलकर के आपके क्या बनते हैं, आपके शब्द बनते हैं जो कि सार्थक समूह है जिसका एक अर्थ निकलता है। वर्ण जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता, लेकिन जो शब्द है इनका अपने आप में एक मतलब होता है, ठीक है। एग्जांपल से अगर समझें तो अब ऐसा नहीं है आपके 2 या 2 से ज्यादा वर्ण ही, आपका सिंगल वर्ण भी एक शब्द का काम कर सकता है। जैसे मान लो अगर मैं नै लिखूं तो नै का मतलब क्या होता है, नै का मतलब हम नहीं में काउंट करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक सार्थक जो है बन जाता है, सार्थक चीज बन जाती है। अगर मैं कमल लिखती हूं, ठीक है, कमल या फिर आप कोई भी शब्द ले लो, अब कमल मिलके बना है कैसे, मैं से और ला से, ठीक है। अब कमल का अपने आप में एक मतलब होता है कि क्या होता है, ये एक फूल का नाम है, किसी का नाम भी हो सकता है बट हम यहाँ पर फूल का नाम लेकर के चलेंगे, तो इसका एक मतलब है। अगर मैं इन्हीं के मेल से यहाँ पर मैं ले के मलक लिख दूं तो क्या इसका कोई मतलब है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये शब्द में काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है जब हम वर्णों को मिलाकर के एक समूह बनाते हैं तो उस समूह का एक मतलब निकलना चाहिए, एक सार्थक इकाई वो होनी चाहिए, तभी वो शब्द कहलाती है। अगर आप कुछ भी लिख देंगे उसका अगर मतलब नहीं बनता है तो फिर वो शब्द में काउंट नहीं होती, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आपको इतना डीप में नहीं जाना, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो चीजें मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पर। अब शब्दों के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखो, शब्द आपके जो है वो आपके 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक आपका सार्थक शब्द होता है जिसका अर्थ निकलता हो और एक आपका निरर्थक शब्द होता है जिसका अर्थ ना निकले। सार्थक मतलब जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई डेफिनेट मतलब निकलता हो, निरर्थक मतलब जिसका कोई भी मतलब ना निकलता हो। जैसे पानी वानी, है ना, पानी तो ठीक है लेकिन वानी क्या होता है, पानी वानी, खाना वाना, ठीक है, आना वाना, ऐसे ये शब्द क्या होते हैं आपके, निरर्थक होते हैं। जबकि सार्थक क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कमल का एग्जाम्पल लिया, जल का एग्जाम्पल लिया, वर्षा हो गया, दूध हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, सबका अपने आप में क्या मतलब निकलता है, तो वो आपके सार्थक शब्द होते हैं। अब यहाँ पर शब्दों के वर्गीकरण में जितने भी आपकी कैटेगरीज है ये आपके सभी सार्थक के अंदर आ जाती है, ठीक है। निरर्थक की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पानी वानी उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये जितने भी आपके आधार यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी आपके सार्थक होते हैं, ठीक है। ये सभी आपके कैसे शब्द होते हैं, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, ये चीज समझो। अब ये जो है आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, 2, 3 और 4। शब्द की जो है रचना, बनावट, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये नाम आपने ध्यान में रखने हैं, कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के भेद है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है और प्रयोग, रूपांतरण और परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हो जाते हैं, इन सभी को एक एक करके जरूर डिस्कस करेंगे। रचना, बनावट, निर्माण या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द 3 तरीके के होते हैं, रूढ़ शब्द, योगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। कई बार यहाँ पर आपको 5 ना लिख करके कई बार यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिर्फ 4 दे देते हैं, तो आप उस 4 को टिक करके आएंगे अगर 5 नहीं है तो। अगर ऑप्शन में 5 है तो फिर आप 5 को ही टिक करेंगे क्योंकि इन 4 में वो कई बार संकर शब्द को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 5 है तो आप 5 ही मार्क करेंगे, ऑप्शन में अगर 4 है तो फिर आप 4 को मार्क कर देंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, कहीं कहीं पर आपको ये 2 भी लिखा देखने को मिलेगा, जैसे आपका सार्थक और निरर्थक, ठीक है, और कहीं पर आपको ये 4 देखने को मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके। मेनली आपके ये 4 ही माने जाते हैं, ये 4 आपके सार्थक शब्दों के अंदर ही आते हैं।
तो जब आपसे अर्थ के आधार पर पूछे जाए तो अगर आपके ऑप्शन में चार ना देकर के अगर दो है तो आप दो को मार्क करिएगा, अदरवाइज तो फिर ये चार होती ही है जो कि सार्थक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। उसके बाद प्रयोग, रूपांतरण और परिवर्तन के आधार पर आपके शब्द जो हो जाते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों को पढ़ेंगे जो कि आपका एक तरीके से रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। इन सब शब्दों को एक एक करके सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है जो निश्चित हो। ठीक है, जो जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वो शब्द आपके निश्चित अर्थ वाले शब्द आप अपने साथ के साथ जरूर लिखते रहें। बाकी मैंने नोट्स में भी इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया है विद एग्जांपल्स के साथ, जैसे ही तैयार होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। निश्चित अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। ये वो शब्द होते हैं जो जैसे लिखे हुए हैं ना, वो ही उनका अर्थ निकलता, कोई भी अलग उनका अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो बिना किसी मतलब दो शब्दों की हेल्प से नहीं बनते, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और जैसे लिखा वही अर्थ ये प्रोवाइड करते हैं। इनका अर्थ जो है वो निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ पर नल लिख देती हूँ, अब नल का कोई और मतलब नहीं है, नल का मतलब सबको पता है नल ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दूध लिख दिया, ठीक है, दूध का मतलब क्या? दूध ही होता है, उसके अलावा और कोई इसका मतलब नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो ना तो किसी के मेल से भी नहीं बने हैं, ये अपने आप में अलग है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के मेल से नहीं बने। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी के भी मेल से नहीं बने। तो ये शब्द जो कि आपके इंडिपेंडेंट अपना मीनिंग देते हैं, एक अपना निश्चित अर्थ निकालते हैं, कोई और अर्थ नहीं निकालते, वो आपके रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, इन शब्दों के अंदर यहाँ पर लिख देती हूँ, इन शब्दों के अंदर ना कोई संधि का मेल होता, ना कोई समास का मेल होता है, ना कोई उपसर्ग होते हैं और ना ही कोई प्रत्यय होते हैं। अगर किसी को उपसर्ग नहीं पता और प्रत्यय नहीं पता है, संधि समास भी आपको आगे सारे आएंगे, तो उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? आपके शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है उससे पहले लगते हैं, जैसे दिन एक शब्द है, उसके पहले प्रति लगा दे तो ये प्रति एक उपसर्ग है, तो प्रतिदिन बन जाता है। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले बनते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे ही प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, शब्द के बाद में लगते हैं ये, और उसका जो अर्थ है उसके अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे मानवता, मानव एक शब्द है, उसके अंदर मैंने ता प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? मानवता बन गया, तो इसने इसका अर्थ बदल दिया। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर जो रूढ़ शब्द है इसके अंदर ना तो कोई संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है इंडिपेंडेंट होता है और जो लिखा है उसका ही मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका रूढ़ का एग्जाम्पल है। अब जब मैं बात करती हूँ यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द जो है आपके दो शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं ये। ठीक है, जैसे ये जो आपके रूढ़ शब्द थे तो वो इंडिपेंडेंट थे, वो मिलके नहीं बने थे, जबकि ये जो है दो शब्दों के मेल से बनते हैं और इन दोनों शब्दों का अपना अलग मतलब होता है। ठीक है, अलग अलग मतलब होता है इन दोनों शब्दों का। ठीक है, इन दोनों शब्दों का क्या होगा? अलग अलग मतलब होगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ यहां पर जो है इस चीज को पढ़ते हैं। जब आप इस चीज का एग्जाम्पल लेते हो तो जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया देशभक्ति, ये किससे मिलकर बना है? ये आपका देश से और प्लस भक्ति, दोनों से मिलकर के बना है। तो देश का अपने आप में मतलब होता है और भक्ति का अपने आप में अलग मतलब होता है। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मेल से बनते हैं और दोनों ही शब्द का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ इसका, तो रसोई घर में ले सकती हूँ, रसोई घर, रसोई से और घर से दोनों से मिलकर के बना है। इन शब्दों में संधि उपसर्ग प्रत्यय और जो समास है वो सब कुछ होता है, इनमें नहीं होता रूढ़ शब्दों में, इनमें होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी लेकर के मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रत्यय का एग्जाम्पल लेती हूँ तो मानवता, ठीक है, मानव जमा ता प्रत्यय है जो कि एंड में लगता है शब्द के। ऐसे ही प्रतिदिन मैंने जो आपके साथ एग्जाम्पल पिक किया था, प्रतिदिन आपका उपसर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इनके अंदर आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वो है होते हैं, जबकि रूढ़ शब्दों में उपसर्ग समास और प्रत्यय और संधि आपके नहीं होते।
ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते, दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं और दोनों का अपने आप में अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके योगरूढ़ शब्दों की। थर्ड नंबर वाला है जो कि उसके बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मिलकर बने हैं क्योंकि इसका और भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दो रूढ़ शब्दों से ये मिलकर बने हैं, बट ये जो इसका अर्थ देते हैं ना वो कुछ अलग ही अर्थ देते हैं, जो लिखा है ना उससे कुछ अलग ही अर्थ देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया दशानन। अब दशानन का मतलब क्या होता है भाई? दशानन का मतलब सबको पता है क्या होता है ना, अलग मतलब देता है। दशानन का मतलब आप बहुब्री आपने समास पढ़ा होगा ना, रावण, नीलकंठ। नीलकंठ मैं यहां पे लिखती हूं, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। ठीक है, यानी कि जो मैंने लिखा है यहां पर वो अर्थ नहीं देते बल्कि कुछ अलग ही अर्थ दर्शाते हैं। ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने थे, देखने में लगता है कि ये यौगिक शब्द है, देखने में ऐसा लगता है कि ये यौगिक शब्द है, जबकि ये यौगिक नहीं है, ये आपके योगरूढ़ शब्द है जो आपका एक अलग अर्थ देते हैं। जो आपने यहां पर लिखा है उसका जो है एक अलग से अर्थ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका? वो आपका नीलकंठ हो गया, जैसे दशानन हो गया, ये आपके योगरूढ़ शब्द हो गए। इनके जो आपके काफी इनके एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, जितने भी आपके मेन इंपॉर्टेंट जो आपके रूढ़ शब्द है, योगिक है, योगरूढ़ है, ठीक है, जो भी आपके आगे शब्द आएंगे उन सभी का लिस्ट वाइज इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, या फिर आपको स्क्रीन में अभी इधर शो हो रहे होंगे, मैं वहां पर भी इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो जितने भी शब्द है वो उनको देख लेना। अब जरूरी नहीं है उन्हीं में से आ जाए, आपको जहां से जैसे भी कितने भी शब्द मिले, बस आपको ये पहचान नहीं आनी चाहिए कितने शब्दों को है ना, ये याद नहीं किए जाते, कितने शब्दों को याद करेंगे, बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर आपको इनका जो थ्योरी पार्ट अगर वो पता है तो आप इनको आराम से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रचना और बनावट के आधार पर हो गए। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपके जो शब्द है वो पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। अब उनको एक एक करके देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपके जो पांच शब्द के भेद हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर शब्द है। यहां से क्वेश्चन एक जरूर आता है, तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में हम ऐसे के ऐसे यूज कर लेते हैं, यानी कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में जो के त्यो आ गई है वो आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे है तो संस्कृत के बट हिंदी में हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। जैसे इसके जो अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे इसका एग्जाम्पल है आम्र, ठीक है, जो कि आपका आम है। फिर आपका कर्ण, जैसे क्षेत्र हो गया, ठीक है, ज्ञान शब्द, और आपका चर्म, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके तत्सम के हैं बट हम हिंदी में इनको एज इट इज यूं के यूं यूज कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द को आपको पहचानना होता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इन ऑप्शन में आपके कौन से तद्भव है, कौन से तत्सम है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इनको ऐसे रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तत्सम शब्द के थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूं। अगर किसी शब्द में आपको अक्षय, त्रय, गय और श्रय ये वर्ण देखने को मिल जाए तो आपके वो शब्द कैसे होंगे? वो आपके तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में यह, वह, शय और शय आ जाए, शय षटकोण वाला अगर शय आ जाए किसी स्टार्टिंग में, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर ये वर्ण आ जाए तो फिर वो भी आपका कैसा होगा? वो भी आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अगर किसी शब्द में आपको अक्षत्र गय श्रय मिल जाए तो भी आपका तत्सम, और अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आपको अगर यह, वह, शय और शय आ जाए तो फिर वो भी आपका कैसा होगा? वो भी आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, कई बार री की मात्रा भी आती है तो वो भी आपके तत्सम शब्द होंगे। और एक आपका ये वाला जो अण आता है ना, ये वाला, ये भी आपका किस में आता है? ये भी आपका तत्सम शब्द में ही आता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह इनको भी ध्यान में रख लेना, बाकी ये हो जाते हैं, आपको देख के ही लग जाता है कि ये हमारे हिंदी के नहीं है, ये कुछ संस्कृत टाइप के हैं, तो वो आप उनको देख के कर लेते हो। और कुछ ये आपके जो शब्द हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, उनको भी आप देख करके जा सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं उनको भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके तद्भव शब्द आते हैं, ये तो आपके संस्कृत के शब्द थे जो आप यूं एज इट इज यूज कर लेते हो।
तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, बट हम उनको तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। ठीक है, जिनको हमने बोलने के लिए बिगाड़ दिया है, ठीक है, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपके जो तत्सम और तद्भव है वो थोड़े सिमिलर होंगे देखने में। हमेशा आपसे अगर पूछा जाए भाई इसका तत्सम, ये तत्सम है, ठीक है, तो उसका तद्भव क्या होगा, तो वो देखने में थोड़ा सिमिलर मिलेगा क्योंकि हमने उसको बिगाड़ा है बोलते हुए। ठीक है, तो संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप आपका ये कहलाता है। जैसे हमारा आपका जो संस्कृत का शब्द था, यहां पर लिख देती हूँ तद्भव का, आपका संस्कृत का करपट बोला जाता है, ठीक है, हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको कपड़ा कर दिया, तो आपका करपट तत्सम रूप है और कपड़ा कैसा है, ये आपका तद्भव रूप है। ठीक है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या, घोटक कहलाता है संस्कृत में, तत्सम शब्द घोटक होता है और यहां पर इसको हमने बोल करके क्या बना दिया, हमने इसको घोड़ा बना दिया है। ठीक है, अग्नि है जो कि आपका क्या है, तत्सम शब्द है, हमने इसको क्या बना दिया, आग बना दिया। तो आपके जो तत्सम शब्द है उनका बिगड़ा हुआ रूप ही आपका तद्भव होता है और आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, हमसे कई बार पूछते हैं, जैसे मान लो हमने घोड़े का ही पूछ लिया, हमसे पूछा कि घोटक का जो है आपने बताना है तद्भव रूप, और आपसे एग्जाम्पल में दिया, आपसे घोड़ा दे दिया, घोड़े को तो अश्व भी बोलते हैं, घोड़े को तो तुरंग भी बोलते हैं, और भी नाम होंगे घोड़े के, ठीक है, अब आप क्या टिक करके आएंगे? अब मुझे सच में कमेंट में लिख करके बताना कि आपने क्या सोचा है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आप टिक करके आएंगे घोड़े को, ठीक है, घोड़े को क्यों टिक करके आएंगे, क्योंकि आपका जो तत्सम है वो बिगड़ा, तत्सम शब्द से बिगड़ करके आपका तद्भव बना है, तो बिगड़ करके अश्व तो नहीं हो सकता, तुरंग भी नहीं हो सकता, बिगड़ करके क्या हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा रिलेट करते हुए आएगी सारी चीजें, तो इसलिए आपको रिलेट करते हो, जो आपको सेम सेम मिले ना वो ही आपने यहाँ पर मार्क करना, अगर आपसे तत्सम और तद्भव पूछा जाए। ये सारे आपके पर्यायवाची है, भाई घोड़े को अश्व बोलते, तुरंग भी बोलते हैं, बट घोटक को हम इतना नहीं तोड़ मरोड़ देंगे कि हम इसको अश्व बोलने लग जाएंगे, हम इसको तुरंग बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, आप ऐसे उस शब्द को मार्क करेंगे जो उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा। जैसे करपट है, करपट से कपड़ा हो गया, रिलेट कर रहा है। ठीक है, अग्नि से आग हो गया, रिलेट कर रहा है, आम्र से आम हो गया, रिलेट कर रहा है ना, तो आपको ऐसे रिलेट करते हुए चीजें बतानी है। तो तत्सम की तद्भव की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद जो आपके शब्द आते हैं वो आपके देशज शब्द है और विदेशज शब्द है, इनको पढ़ेंगे। देशज का मतलब होता है जो देश में जन्मा हो, यानी कि वो शब्द जो आपके आम बोलचाल के शब्द है। ठीक है, यानी कि आपके लोकल वर्ड आप इनको कह सकते हो, यानी कि आम बोलचाल के शब्द जिनका कोई उत्पत्ति उनकी कहां से हुई नहीं पता, उनका स्रोत कहां से है कुछ नहीं पता, ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं, जिनका आपके बारे में नहीं पता कि भाई कहां से आए, क्योंकि हम अपनी बोलचाल में उनको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो फटाफट, ठेंगा, ठीक है, खचाखच, ऐसे जब रिपीट वाले वर्ड आते हैं ना, जैसे फटाफट थोड़ा रिपीट टाइप है, खचाखच थोड़ा रिपीट टाइप है, तो रिपीट वाले वर्ड हमेशा देशज में काउंट होंगे। ठीक है, ये वाले शब्द, अब ऐसे जो शब्द हैं आपके, जैसे मैंने बोल दिया ऊट पटांग शब्द, ऊट पटांग, हम ऐसे अपने बोलचाल में बोल देते हैं ना, ऊट पटांग, ये क्या ऊट पटांग हरकत है, हम ऐसे बोल देते हैं, इन ये शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हम अपनी आम बोलचाल में ऐसे, जैसे लोटा हो गया, ठीक है, तो हम इनको अपनी आम बोलचाल में यूज कर लेते हैं, इनका कोई भी सोर्स नहीं है, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का मतलब ही होता है देश में जन्मा, देश में जन्मा। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशज शब्द की। विदेश शब्द मतलब जो विदेश में जन्मे हो, ऐसे शब्द जो हमारे नहीं है बल्कि हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं, वो आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब अपने हमारी जो मूल हिंदी है, जो मूल संस्कृत के शब्द है, उनको छोड़ करके आपके जो भी बाहरी भाषाओं से आपने जो शब्द पिक करे हैं वो आपके शब्द किसमें कहलाते हैं, वो आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। यहाँ से आपके आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपसे, जैसे अरबी के शब्द पूछे जाएंगे, फ्रांसीसी में से पूछ लेंगे, फारसी में से पूछ लेंगे, पुर्तगाली हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, तो आपको इन शब्द को अच्छे से करना है। ये शब्द की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही ट्रिक्स के साथ भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको मिल जाएगा जब मैं वो सारी चीजें करवाऊंगी। हालांकि मैंने अपने चैनल पर डाला भी हुआ है ट्रिक्स के साथ, तो मैं आपको फिर से भी वो ट्रिक्स के साथ सारी चीजें लर्न करा दूंगी जो विदेशी शब्द हैं आपके वो। ठीक है, जैसे अरबी से आपका लिफाफा आया है, अदालत आया है, शादी आया है। ठीक है, फ्रांसीस जो आपका फारसी है उससे आपके जो है सौदागर शब्द निकला है, कमीना निकला है, ऐसे आपके पुर्तगाली के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं। तो ये शब्द हैं जो आपने करने हैं,
ठीक है, आप अगर बार बार उसको कुछ 4-5 बार पढ़ेंगे तो वो आराम से हो जाते हैं, और एक बार आप उसको एंड टाइम में रिवाइज कर लेना। संकर शब्द वो होते हैं जो आपके दो भाषाओं से मिलकर के बनी है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से। जैसे टिकट घर, टिकट आपका इंग्लिश का शब्द है और घर आपका इंग्लिश का नहीं है, ठीक है, टिकट घर। रेलगाड़ी, रेल आपका इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी, ठीक है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके दो भाषाओं से मिले हुए शब्द आपके क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके किसके आधार पर हो गए, ये आपके उत्पत्ति के आधार पर हो गए। अब हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग रूपांतरण परिवर्तन के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इससे आगे अर्थ के आधार पर और प्रयोग रूपांतरण के आधार पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करी जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। दोनों वीडियो को लिंकअप कर दूंगी, जैसे मैं इसका वीडियो अगर कल डालती हूँ तो ये जो वीडियो है इसका लिंक उस वीडियो में डाल दूंगी, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी प्लेलिस्ट में अपडेट मैं कर ही रही हूँ सारी वीडियोस को, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपकी CDP की क्लासेज, हिंदी की क्लासेज, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो भाई इसको जरूर लाइक कर दिया करो, लाइक करने में क्या दिक्कत होती है ना, लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई दिक्कत है तो बताया करो। सभी के साथ शेयर जरूर करिए, शेयर करने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।